नमस्कार, सारा लाइव में आपका स्वागत है। आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, एमएलसी का जो चुनाव होना था, जो वोटिंग होनी थी, वो तो शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद सिवान में एक बड़ी घटना घटी और निर्दलीय एमएलसी उम्मीदवार रईस खान पर गोलियों की बौछार की गई। जी हाँ, वोटिंग तो संपन्न हो गई, लेकिन उसके बाद जो चुनावी रंजिश की जहाँ बात करते हैं, वो रंजिश जरूर देखने को मिल रही है। इसके पीछे अब देखिए तमाम तरह की बातें आ रही हैं। रईस खान पर जिस तरीके से AK-47 से गोलियों की बौछार की गई, उसके बाद से अब जो है वो सियासत काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुकी है। इसको लेकर के जेडीयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने सीधे तौर पर खुलेआम ये कहा कि अब जो है वो लोग भी ठोक करके हमला करेंगे, यानी कि जिस तरीके से उनके ऊपर AK-47 से हमला हुआ, वैसे ये लोग भी ठोक करके हमला करेंगे। तो सिवान में कुछ समय पहले तक जिस तरीके से वर्चस्व की लड़ाई वहाँ पर हमेशा रहती थी, जब शहाबुद्दीन थे उस वक्त जो खौफ का माहौल सिवान में रहता था, वो वापस एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। यानी कि बदले की भावना के बाद निश्चित रूप से एक बार फिर से वहाँ पर कहीं ना कहीं हमला होगा, वार होगा, पलटवार होगा। तो एक बार वापस से सिवान जो है वो अपने उसी रूप में सामने आ रहा है। आपको बता दें कि जो रईस खान है, जो MLC उम्मीदवार हैं, उनके ऊपर भी कई दर्जन मामले जो हैं वो दर्ज हैं। खान ब्रदर्स के नाम से ये जाने जाते हैं, बाहुबली हैं, और कई मामले जो हैं इनके ऊपर भी, रईस खान के ऊपर भी दर्ज किए गए हैं। कई तरह के बड़े बड़े मामले हैं, कई आपराधिक मामले हैं जो रईस खान के ऊपर में दर्ज किए गए। खान ब्रदर्स के नाम से जाने जाते हैं। और शहाबुद्दीन के बाद जिस तरीके से सिवान जो था वो थोड़ा शांत हो गया था, लेकिन रईस खान जो थे उस वक्त एक्टिव हो गए थे और उस समय से लेकर के अभी तक एक्टिव थे। देखिए, रईस खान मामले में एक नया मोड़ आ चुका है। जी हाँ, इस मामले में अब शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा की मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। जी हाँ, ओसामा साहब की मुश्किल जो है वो इस मामले में बढ़ सकती है, क्योंकि जो FIR दर्ज हुआ है रईस खान की तरफ से, जो FIR दर्ज किया गया है उनके ऊपर गोलियों की बौछार, और जो जिस तरीके से AK-47 उनके ऊपर हमला हुआ था, जब वो अपने कार्यालय से रात को 11:30 के आसपास में अपने घर, अपने गाँव वापस जा रहे थे, उस वक्त उनके ऊपर ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई गई। इस मामले में शहाबुद्दीन के जो बेटे हैं, ओसामा साहब हैं, उनके ऊपर भी FIR दर्ज हो गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है, बड़ी बात है, और ओसामा साहब जो है वो अब इस मामले में फंस सकते हैं। आपको बता दें कि रईस खान ने MLC चुनाव लड़ने का फैसला किया, और उसके बाद से कहीं ना कहीं उनके ऊपर ये हमला होना, वोटिंग संपन्न हो गई और उसके ठीक बाद इनके ऊपर ये हमला हुआ है। 7 अप्रैल को जहां तक बात है, नतीजे आ जाएंगे और रईस खान की किस्मत का फैसला भी हो जाएगा। उसके ठीक पहले ये जानलेवा हमला हुआ है। ओसामा साहब का नाम हमले में सामने आया है। इस हमले में जो FIR दर्ज हुआ है उसमें ओसामा साहब का नाम सामने आया, जो कि शहाबुद्दीन के बेटे हैं। आपको बता दें कि ओसामा के साथ साथ में 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, और साथ ही साथ सिवान में अभी फ़िलहाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा दहशत का माहौल है, लोग खौफज़दा हैं, डरे हुए हैं। पुलिस जो है वो एक्टिव है, कई लोगों से पूछताछ कर रही है, लेकिन अभी तक ओसामा साहब की गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्योंकि कोई ठोस सबूत जो कहते हैं वो उनके खिलाफ अभी तक पुलिस के हाथ नहीं लगा है। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि सिवान में वापस से शहाबुद्दीन का वो दौर जो है वो लोगों को याद आ रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अनामिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।